संघर्ष की जो चलता है वही तो संसार बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती वही तो सुबह सूर्य बनकर चमकता है। हेलो ऑल माय डियर लर्नर्स, आई वेलकम यू ऑल टू अन एकेडमी। तो बेटा इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक तरीके का ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन किसका? अनअकैडमी पे LGT के दो इंपॉर्टेंट बैचेस आने वाले हैं। इन दोनों बैचेस के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। एंड द रीजन इस सेशन को बनाने का सिर्फ यही रीजन है कि अब आपके पास बहुत कम समय है। ऑन एन एवरेज आपके पास 5 महीने हैं जिसके अंदर आपके प्री बोर्ड्स, बोर्ड्स, प्रैक्टिकल्स, इन सब में आप बिजी हो जाओगे। और उसके बाद जो टाइम आएगा उसके अंदर आपको लैंग्वेज के लिए पढ़ना है, उसके बाद आपको डोमेन्स के लिए पढ़ना है और फिर GT के लिए भी पढ़ना है। तब आप CUT का एग्जाम दोगे और उसके बाद आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो ये सेशन आपके लिए एक ओरिएंटेशन सेशन है, आपको ब्रीफ करने के लिए कि अनअकैडमी पे जो बैचेस आने वाले हैं वो क्या होने वाले हैं और हम उनके अंदर कैसे आगे फर्दर मूव करने वाले हैं। तो चलिए बेटा शुरुआत करते हैं। ये जो सेशन है ये LGT के बैच अनाउंसमेंट का है, जैसे मैंने आपको बता दिया। तो बेटा देखिए, वेलकम, यस आई वेलकम यू ऑल टू अनअकैडमी। अनअकैडमी पर आने वाले हैं 2 बैचेस। कौन कितने बेटा? 2 इंपॉर्टेंट बैचेस अनअकैडमी पर आने वाले हैं। एक बैच होगा प्लस का और दूसरा बैच होगा यूट्यूब का। एक एक करके मैं आपको दोनों बैचेस के बारे में बताऊंगी। पहले हम बात करेंगे प्लस बैच के बारे में। ये जो प्लस बैच है ये न्यू बैच है और इसका नाम है अचीवर्स बैच, ये होता है पेड बैच। दूसरा हम बात करेंगे यूट्यूब बैच का, इसका नाम है क्रांति बैच और ये है आपके लिए बिल्कुल फ्री बैच। हमारे यहाँ पर अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर 2 तरीके के बच्चे आते हैं। एक होता है जो हमारा प्लस का बच्चा होता है, एक होता है हमारा जो यूट्यूब का बच्चा होता है। तो यहाँ पे बेटा आपके लिए दोनों तरीके के बैचेस हैं, दोनों के फायदे मैं आपको बताने वाली हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग इन बैचेस के अंदर एनरोल कर लेना, पर अपनी पढ़ाई अब चालू कर दो। उद्देश्य बस यही है कि अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो क्योंकि अब बहुत पीक टाइम आ चुका है आपके लिए। चलिए भाई आगे चलते हैं। पहले हम बात करेंगे बेटा अचीवर बैच के बारे में। सारे गोल्स के मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगी कि हम कैसे आगे अपनी तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं। अचीवर्स बैच जैसे मैंने आपको बताया ये आपका पेड बैच होगा, ठीक है, दिस इज योर पेड बैच। इसके अंदर क्लासेस स्टार्ट होने वाली है 25 नवंबर से। इसकी LGT तो सभी को पता होगा, लैंग्वेज एंड GT की क्लासेस, ठीक है, जनरल टेस्ट की क्लासेस। कब से शुरू होंगी? यहाँ पे 25 नवंबर से शुरू होंगी, ठीक है। कोर्स कंप्लीशन बाय फरवरी। इस कोर्स के अंदर LGT की टीम आपका जो कोर्स है, आपका जो सिलेबस है उसको फरवरी तक कंप्लीट कर देगी। एंड द रीजन इज कि हम फरवरी तक इसको क्यों कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि मार्च में आप लोग बोर्ड्स में बिजी हो जाओगे, तब आप एक भी क्लासेस नहीं अटेंड कर पाओगे। इसीलिए हमारा प्लान है कि हम फरवरी तक आपका कोर्स कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, बट आफ्टर योर बोर्ड थ्योरी एंड प्रैक्टिस। जब मैं बात कर रही हूँ अचीवर बैच के बारे में बेटा, ये थ्योरी बैच और साथ के साथ प्रैक्टिस बैच होने वाला है। इसके अंदर पहले मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करूंगी, उसके बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगी कि NTA किस पैटर्न में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ सकता है। इस कोर्स के अंदर जो मेरी GK और करंट अफेयर की क्लासेज है, आपको पता है कि शीतल मैम आपको इस कोर्स के अंदर लैंग्वेज एंड जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स पढ़ाने वाली हैं। करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज दोनों के लिए मैं यहाँ पर आपको इसके अंदर क्लासेस दूंगी और टाइमिंग क्या होगी हमारी, रात को 9 PM, ठीक है, रात को 9 बजे आप इस कोर्स के अंदर मेरे साथ पढ़ने वाले हो। रोज हम क्लासेस नहीं लेंगे, हम वीक में थ्री डेज हम इसके अंदर क्लासेस लेने वाले हैं। तो ऐसा भी नहीं कि आपको रोज पढ़ना होगा, वीक में 3 दिन निकाल लेना, यानी कि 3 घंटे आपको GK के लिए शीतल मैम को देने होंगे इस बैच के अंदर। बात करते हैं इन क्लास एक्टिविटी क्या क्या करेंगे हम लोग बेटा जनरल नॉलेज कवर करेंगे। जब आप अपना CUT का सिलेबस देखते हो फॉर योर GT तो उधर लिखा हुआ है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स हम रोज सुबह पढ़ते ही हैं और मैं आपको इस बैच के अंदर भी प्लस में भी पढ़ाने वाली हूँ। बट GK हम कैसे पढ़ेंगे बेटा? GK हम लोग पढ़ेंगे GA के फॉर्म में। GA क्या है? GA है आपका जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जनरल अवेयरनेस। इसके अंदर हम लोग सब्जेक्ट वाइज GK कवर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम पहले हिस्ट्री पढ़ेंगे, हिस्ट्री का GK पढ़ेंगे, हिस्ट्री का GK जैसे कि बैटल्स के बारे में पढ़ेंगे, फेमस पर्सनालिटीज के बारे में पढ़ेंगे, बुक्स के बारे में बात करेंगे, एंशियंट बुक्स के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट बैटल्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हम हिस्ट्री का GK पढ़ेंगे, उसके बाद हम जियो का GK पढ़ेंगे, हम इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का GK पढ़ेंगे,
हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स का, इंडियाज इकोनॉमी पढ़ेंगे, हम उसका जीके पढ़ेंगे, जनरल साइंस पढ़ेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ेंगे जो कि जीके में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एक कलेक्टिवली मिसलिनियस जीके का भी सेशन करेंगे और करंट अफेयर्स मिस साथ के साथ आपको यहाँ पर करवाती रहूंगी। नाउ ठीक है मैम, हम सब्जेक्ट वाइज जीके तो कवर कर लेंगे बट करंट अफेयर कितना कवर करेंगे? करंट अफेयर बेटा मैं यहाँ पर आपको 1 ईयर का करवाऊंगी, ठीक है, यानी कि मैं आपको करवाऊंगी मई 2023 से लेकर तक का करंट अफेयर टिल योर मई 2024 तक का हम यहाँ पे करंट अफेयर करने वाले हैं, क्योंकि नहीं पता कि आपका जो एग्जाम होगा वो जून की शिफ्ट में होगा या मई की शिफ्ट में होगा, तो हम इतना करंट अफेयर इस बैच के अंदर कवर करेंगे। डाउट सेशंस आपके लिए रेगुलर लगाऊंगी, जो भी डाउट होगा आप मुझसे पूछोगे। एक और बात, यहाँ पर मैं आपको कोई होमवर्क नहीं देती, क्लास के अंदर ही मैं आपको याद करवाते हुए जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है आपके पास इतना एडिशनल टाइम नहीं हो पाएगा कि आप अलग से पढ़ पाओगे, तो इसी के अंदर आप याद करते हुए चलोगे, ये मेरी ड्यूटी है आपको याद करवाना। यहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, हर सब्जेक्ट का मैं आपको जीके का पीडीएफ दूंगी, हिस्ट्री का जीके का पीडीएफ ये है, इकोनॉमिक्स का ये है, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का ये है, यहाँ पे सारा कंटेंट आपको मेरे द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, इवन योर करंट अफेयर्स एज वेल। नाउ दिस इज गोइंग टू बी योर प्लस कोर्स जो कि स्टार्ट हो रहा है 25 नवंबर से, इसका नाम है अचीवर्स बैच। इसके बाद कोई भी थ्योरी बैच नहीं लाऊंगी, इसके बाद हम अगर लाएंगे तो यहाँ पे मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बैचेस लेकर आएंगे। लास्ट टाइम है, एनरोल कर लो, अभी ऑफर भी चल रहा है। तो यस, अनअकैडमी ने दिवाली के लिए आप सभी के लिए ऑफर निकाला है, तो यहाँ पर आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा विद माय कोड जो कि है SJ100। अगर आप मेरे कोड के साथ इस कोर्स के अंदर एनरोल करते हो तो आपको ये जो कोर्स का कॉस्ट है अप्रॉक्स 3,500 रुपए का पड़ेगा, तो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम, गो एंड एनरोल, वैलिडिटी 6 मंथ्स की आपको देखने को मिलेगी। अगर आप एक कॉम्बो लेना चाहते हो जिसके अंदर आप अपना डोमेन लैंग्वेज एंड जीटी लेना चाहते हो तो उसका कॉस्ट यहाँ पे इतना पड़ेगा, अगर सिर्फ आपको LJT लेना है तो उसका कोर्स आपको इतना पड़ेगा। बट डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई माई कोड विच इज SJ100, क्योंकि हम है इंडियंस, हमें आदत है डिस्काउंट की, तो क्यों भाई क्यों पूरे पैसे पे करें जब हमें डिस्काउंट मिल रहा है। तो बी स्मार्ट, यूज माई कोड SJ100, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नाउ इसी के साथ बात करते हैं बेटा सेकंड बैच जो कि है आपका क्रांति बैच। जैसे मैंने बताया ये बिल्कुल फ्री बैच रहेगा, ये आपका यूट्यूब पे चलने वाला है। इसके क्लासेस जो है वो 14 नवंबर से स्टार्ट होंगे। 14 नवंबर को क्या होता है, नन्हे मुन्ने बच्चे जैसे कि आप हो, चिल्ड्रंस डे। यहाँ पर 11 बजे करंट अफेयर की क्लास हम रोज सुबह करेंगे और जीके की क्लास हम हर दिन करेंगे 30 मिनट की क्लास, ठीक है, आधे घंटे का सेशन होगा। अब यहाँ पे स्ट्रैटेजी क्या होगी बेटा, यहाँ पे स्ट्रैटेजी होगी क्वेश्चंस के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करने की, यहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी होने वाली है। तो यस, ये क्रांति बैच जो बच्चे नहीं एनरोल कर सकते आप इस बैच के अंदर मेरे साथ पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर आपको दोनों तरीके की सुविधाएं अनअकैडमी लेके आता है, क्योंकि अनअकैडमी का है क्या वादा, अपने बच्चों का जब हाथ पकड़ता है तो उनको मंजिल तक छोड़ के आता है। चलिए भाई, इसी के साथ क्लास के कुछ रूल्स रहेंगे, उनको आपको जरूर फॉलो करना होगा अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, मेरे साथ पढ़ना चाहते हो। तो बी ए सेल्फ स्टार्टर, ठीक है, तो भाई खुद से स्टार्ट करने की जिल होना चाहिए भैया। शुरुआत, पहले स्टेप लेना ही बहुत डिफिकल्ट होता है, बट पहला स्टेप आप खुद लोगे, हम साथ में खड़े रहेंगे बट आपको चलना खुद नहीं ही पड़ेगा। बी रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, तो जब आपका अगर एम है कि भाई मैम मुझे अच्छी कॉलेज में एडमिशन चाहिए, मुझे 100% चाहिए, मुझे DU में पढ़ना है, मुझे BHU में पढ़ना है, मुझे JNU में पढ़ना है, तो बी रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, अपने गोल के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ही दिखानी पड़ेगी। फॉलो डायरेक्शंस, जैसा आपको टीचर्स बताएंगे आपको वही फॉलो करना होगा। बी पंचुअल, क्लास के अंदर टाइमली आना है, ये मत सोचा ऑनलाइन क्लास है तो जब जागेंगे जब चले आएंगे, मेरे बच्चे बनोगे। बी पंचुअल, बी ऑर्गेनाइज्ड, नोट्स अगर आप मेरे क्या बोलते हैं YouTube के लर्नर हो तो नोट्स आप अपने ऑर्गेनाइज वे में बनाना, सिनॉप्सिस बनाना, क्योंकि सिनॉप्सिस से आपको रिवीजन करना इजी होगा। सिनॉप्सिस कैसे बनाने ये मैं आपको किसी और सेशन में बता दूंगी। बी प्रिपेयर्ड फॉर द क्लासेस, क्लास आने वाली है पहले ही प्रिपेयर रह जाना। मुझे ये बिल्कुल नहीं सुनना अच्छा लगता कि मैम आज क्लास मत लो, मैम कल मत लो, मैम ये मत करो। बी प्रिपेयर्ड, क्लास है तो पढ़ना ही पड़ेगा। हेलो स्टूडेंट्स, तो नाउ इस सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम प्लस पर किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अचीवर बैच के अंदर हमारा जो कोर्स है वो 25 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है LJT का, उसके अंदर जीके एंड करंट अफेयर्स आप मेरे साथ यानी कि शीतल मैम के साथ पढ़ने वाले हो। ये नाउ इस ये जो सेशन है ये YouTube पे अपलोड किया जा रहा है ताकि आप लोग देख सको कि अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर किस तरीके से आपको पढ़ाया जाता है।
आज हम इसका पार्ट वन करेंगे, बाकी पार्ट टू हम कंटिन्यू करेंगे हमारे प्लस सेशन में। आज इस सेशन के अंदर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का पार्ट वन करने वाले हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो प्लस कोर्स होगा हमारा अचीवर्स बैच, इसके अंदर हम लोग कंसेप्ट्स पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस देखेंगे। तो हम पहले कंसेप्ट की बात करेंगे, फैक्ट्स की बात करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस की बात करेंगे कि एनटीए किस फॉर्म में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस सेशन की। यस, तो इस सेशन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल्स एंड क्विज, उसके बाद हम एंड में करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है बेटा? जब भी हम असेंबली की बात कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए, इट्स अ टाइप, मतलब इट्स अ ग्रुप, ठीक है, ग्रुप है लोगों का, उसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोल रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब ये वो ग्रुप है लोगों का जिस ग्रुप ने इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने का काम किया है। तो कलेक्टिवली क्या बोल रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नाउ फर्स्ट पॉइंट देखिए जरा, द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया वॉज पुट फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय एमन रॉय इन 1934। पर पहली बार, सबसे पहले ये आइडिया किसने दिया कि इंडिया के लिए एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो कि इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेगा? ये सबसे पहले आइडिया दिया गया बाय एमन रॉय वे बैक इन 1934 में एमन रॉय के द्वारा ये आइडिया दिया गया कि लेट्स हैव अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कि हमारे लिए संविधान बनाने का काम करेगी। Now, next point में देखिए, in 1935 Indian National Congress, जिसको हम INC कहते हैं, INC का formation 1885 में हुआ था, ठीक है, ये सारी बातें मैं आपको history के अंदर पढ़ाऊंगी। So yes, in 1935 Indian National Congress INC ने officially demand किया, ये demand हम किससे कर रहे हैं? हम British Crown से कर रहे हैं, क्योंकि this time तक हमें independent नहीं मिला है, ठीक है। तो यस, इन 1935 INC डिमांडेड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ऑफिशियली जो डिमांड है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो 1935 पे पुट ऑन की गई बाय INC। नाउ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज सेट अप इन नवंबर 1946। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट जीके का क्वेश्चन इस लाइन में से पूछा जाएगा कि इंडिया के लिए जिस असेंबली ने, जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का काम किया, उसको किस ईयर में सेटअप किया गया? सबसे पहले बात 1934 में एमन रॉय ने की, उसके बाद 1935 में INC ने की, बट ऑफिशियली सेटअप हो जाती है 1946 के अंदर। नाउ बाय द कैबिनेट मिशन प्लान, एक प्लान आता है कैबिनेट मिशन प्लान, वो कैबिनेट मिशन प्लान, ये जो मिशन प्लान है ये इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करता है, और ये इसके तहत इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को स्टैब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फ्रेम्ड एंड अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो इंडिया के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने का काम है वो इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया। अब बेटा अगेन देखो, इट्स अ ग्रुप ऑफ द पीपल जो कि इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर रहा है। इस ग्रुप के अंदर बहुत सारी कमेटीज बनाई गई, हर कमेटी का अलग अलग काम था, रिव्यू कमेटी अलग थी, ड्राफ्टिंग कमेटी अलग थी, इस तरीके की बहुत सारी कमेटीज आपको विद इन द ग्रुप देखने को मिलेगी, जिसके अंदर डिवीजन कर दिया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं, नाउ कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो कि इंपॉर्टेंट है। ऑन 9 दिसंबर 1946 में पहली मीटिंग हुई किसकी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, यानी कि जो ग्रुप था ये पहली बार 9 दिसंबर 1946 में मिलता है। और इस जब ये पहली बार मीटिंग करते हैं तो इस टाइम पर एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जाता है, और वो क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है? वो होता है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए प्रेसिडेंट चुनने का काम किया जाएगा। क्या चुनने का बेटा? प्रेसिडेंट। और इनिशियली 9 तारीख को वे बैक इन 1946 क्या किया गया, यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का टेम्पररी प्रेसिडेंट चुना गया। और किसको चुना गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। जरा पढ़िएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वर मेड द टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। बट व्हाई आई एम सेइंग मैम टेम्पररी, क्यों? क्योंकि लेटर ऑन 2 दिन बाद ही परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिए जाते हैं। लेटर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली इन द सेकेंड मीटिंग, जो कि 11 तारीख को होती है। इसको 1946 कर लेना, ठीक है। तो 1946 11 दिसंबर को जो सेकेंड मीटिंग होती है, उस मीटिंग के दौरान एक और इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जाता है कि अभी जो टेम्पररी प्रेसिडेंट थे उनको बदलकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के परमानेंट प्रेसिडेंट चुन लिए जाते हैं। और वो कौन चुने जाते हैं? वो चुने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे चलते हैं,
नाउ 13 दिसंबर की बात करते हैं। ये तीन इंपॉर्टेंट डेट है बेटा, 9 तारीख, 11 तारीख और 13 तारीख। कौन से महीने में? दिसंबर के महीने में। ईयर होगा 1946। ये तीनों तारीख का अलग अलग रेलेवेंस है। 9 को टेम्परेरी प्रेसिडेंट, 11 को परमानेंट और 13 को पास होते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। बात करते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की। ऑन 13 दिसंबर 1946 एंड इन दिस सेशन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज प्रेजेंटेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस तारीख को क्या हुआ, जैसे ये असेंबली की मीटिंग हुई, ये सेशन हुआ, तो यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट किए। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है मैम, ये हमें नहीं पता, हम बताते हैं ना। देखो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है बेटा, इट्स अ टाइप ऑफ अ डॉक्यूमेंट हम इसको बोलेंगे, जिसके अंदर फिलोसफी एंड फंडामेंटल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर लिखा हुआ है कि हमारी आने वाले जो सेशंस होंगे उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेगी। बट फ्रेम करते दौरान क्या फिलोसफी होगी, क्या फंडामेंटल्स होंगे, जिन बातों का ध्यान रखा जाएगा इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते वक्त, वो बातें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में लिखी गई। और ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रेजेंट किए गए 13 दिसंबर 1946 में। जरा ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अंडरलाइंड द फिलोसफी एंड फंडामेंटल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर सच एज, जैसे क्या होने चाहिए फंडामेंटल ऑफ फिलोसफी, पहला इंडिया टू बी अ डेमोक्रेटिक सोवरेन रिपब्लिक स्टेट, इंडिया को डेमोक्रेटिक सोवरेन रिपब्लिक स्टेट बनाना है। सेकेंड टू हैव अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इंडिया में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहेगी। थर्ड टू प्रोवाइड फ्रीडम ऑफ थॉट, फेथ, वर्शिप एंड एक्सप्रेशन, हम यहाँ पे लोगों को अपने संविधान के अंदर फ्रीडम देंगे थॉट की, विचारों की, फेथ की, वर्शिप की एंड एक्सप्रेशन की। टू प्रोवाइड एडुकेट सेफगार्ड टू द माइनॉरिटीज, जो माइनॉरिटी सेक्शन है हम उनको प्रॉपर सेफगार्ड प्रोवाइड करेंगे। टू प्रमोट वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड, एंड अल्टीमेटली हमें वर्ल्ड पीस प्रमोट करनी है और वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड प्रमोट करना है। ये क्या है, ये फंडामेंटल्स एंड फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में लिखी गई थी। तो आई थिंक आपको ये तीनों डेट्स के बारे में पता हो चल गया होगा, और इन तीनों डेट्स से जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट रिलेटेड है वो भी हमें पता चल गया। चलिए हम आगे चलते हैं। इस तरीके से मैं आपको प्लस पे पढ़ाने वाली हूँ, इस तरीके से मैं आपको पहले फैक्ट्स क्लियर करूंगी और फिर इन्हीं के अंदर से क्वेश्चन फ्रेम करके आपसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगी और आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी। तो आई होप आपको ये तरीका अच्छा लग रहा होगा। देखो बेटा अनअकैडमी का एक रूल है कि यहाँ पर जब भी बच्चे आते हैं तो उनको क्लास में ही याद करवाकर भेजा जाता है, ठीक है, ये मेरा रूल है, ठीक है, क्योंकि आई नो आप लोगों को बहुत सारी चीजें पढ़नी है, बोर्ड्स के लिए पढ़ना है, डोमेन पढ़ना है, लैंग्वेज पढ़ना है, ब्ला 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 बहुत कुछ पढ़ना है। तो आई रियली वॉन्ट कि आप जीके को क्लास के अंदर ही याद करते हुए जाएं, समझते हुए जाएं, तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे चलते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट कमेटी। इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर मैंने आपको बताया कि बहुत सारी कमेटी रही, पहले हम बात करने वाले हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में। तो ड्राफ्टिंग कमेटी वो ग्रुप है लोगों का विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जैसे कि अभी हमने आपको बताया, टू ड्राफ्ट और टू राइट द कॉन्स्टिट्यूशन। इस कमेटी का क्या काम है, इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना यानी कि लिखना। इसके अंदर 7 मेंबर्स हैं और इसके चेयरमैन कौन है, B.R. अंबेडकर। देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन B.R. अंबेडकर। बट एक और चीज, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन है, ये भी B.R. अंबेडकर ही रहे। ये कब फॉर्म की गई थी, इट इज फॉर्म्ड ऑन 29 अगस्त 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी को बनाया गया था, ठीक है। जो पहला ड्राफ्ट था वो अक्टूबर में प्रिपेयर कर दिया गया था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का रफ ड्राफ्ट जो था वो अक्टूबर 1947 में प्रिपेयर कर दिया गया था। उसके बाद एक और कमेटी बनी जिसका काम था रिव्यू करने का, कमेटी टू रिव्यू और रिव्यू द ड्राफ्ट कमीशन, जो भी ड्राफ्ट कमेटी ने जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उसको रिव्यू करने का काम था रिव्यू कमेटी का। और उसको हेड किसने किया, बाय सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर के द्वारा उस कमेटी को हेड किया गया। तो आई होप आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी, अब आगे चलते हैं। हाँ जी, फाइनली द कॉन्स्टिट्यूशन इज रेडी बाय 26 नवंबर 1949। जो हमारा फाइनल संविधान, जो हमारा संविधान है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रिपेयर हो गया था बाय 26 नवंबर 1949। इसीलिए हर साल 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑब्जर्व किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन डे अलग होता है, रिपब्लिक डे अलग होता है। कॉन्स्टिट्यूशन डे हर साल कब ऑब्जर्व किया जाता है बेटा, 26 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। क्यों ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि इस दिन वे बैक इन 1949 क्या काम हो गया था, इस दिन वे बैक इन 1949 हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। नाउ टोटल टाइम
taken by the Constituent Assembly to prepare the Constitution of India is 2 years, 11 months, 18 days. Constituent Assembly को कितना समय लगा इंडिया के लिए संविधान बनाकर रेडी करने में? वो लगता है टोटल 2 साल, 11 महीने और 18 दिन का समय लगता है। ये डायरेक्ट जीके के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, ठीक है? ये जो एक एक लाइन है ना, ये जीके के क्वेश्चन की लाइन है। इनके टोटल 11 सेशन रहे। ऑरिजिनल कॉपी की हम बात करते हैं, ठीक है? ऑरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जब ऑरिजिनली जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके अंदर 389 मेंबर्स थे, पर जो कॉपी फाइनल बन के आई उसको साइन किया टोटल 284 मेंबर्स ने, क्योंकि कुछ प्रोविंस के जो हेड थे उन्होंने बीच में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को छोड़ दिया था, उन्होंने साइन नहीं किया, ठीक है? तो इस तरीके से हमने देखा कि साइन किया गया बाय 284 मेंबर्स एंड ऑरिजिनल दे वो 389 मेंबर्स, ठीक है? नाउ आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। Constituent Assembly perform other functions. ये जो हमारी Constituent Assembly थी, इन्होंने और भी काम किए। संविधान तो बनाया ही बनाया, बट इसके साथ और भी काम किए। जैसे कि इन्होंने ही National Flag adopt किया। कब? 22 जुलाई 1947 में National Flag को adopt किया गया। National Anthem को 24 जनवरी 1950 में adopt किया गया। National Song को भी same day ही adopt किया गया। और इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो भारत के पहले प्रेसिडेंट हम किसको बोलते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इनको भी इलेक्ट किसने किया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा ही इलेक्ट किया गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे, दोज वर परफॉर्म्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आगे चलते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि मैम अभी तो हमने बताया कि 26 नवंबर को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा, बट मैम फिर हम 26 जनवरी को कौन सा डे बनाते हैं? हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे बनाते हैं। तो मैम इसका सिग्निफिकेंस क्या है? बेटा 26 जनवरी को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एनफोर्समेंट में आया था, यानी कि उसका यहाँ पे वर्किंग शुरू हो जाती है, ठीक है? 26 जनवरी ही क्यों डेट चूज की गई जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर को? तो 2 महीने क्यों इंतजार किया गया? तो इस तारीख के पीछे थोड़ा सा हिस्ट्री है, चलिए बात करते हैं। एक लाहौर सेशन हुआ था बेटा, वे बैक इन 1929 में एक सेशन हुआ था INC का, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन हुआ था। लाहौर सेशन 1929 में हुआ था। इस दिन ये अजम्पशंस लगाई गई थी कि हम लोग 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज यानी कि फुली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, और इसी डेट को सिग्निफिकेंस देने के लिए 2 महीने इंतजार किया, और उसके बाद 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान एनफोर्समेंट में आता है। आई होप आपको इस डेट का सिग्निफिकेंस पता चल गया होगा। तो यस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेस सेशन। आई होप आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरे साथ पढ़ना है प्लस पर, तो आप एनरोल कर सकते हो अचीवर्स बैच के अंदर, ठीक है? अचीवर्स बैच के अंदर आप एनरोल कर सकते हो। ये बैच 25 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। इस वीडियो के अंदर मैंने सारी डिटेल बताई हुई है हम कैसे आगे बढ़ने वाले हैं। ये पार्ट वन था, इसका पार्ट टू मैं आपको प्लस में करवाऊंगी, और उसके बाद हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? तो चलिए बेटा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी इन टुडेस सेशन। आई होप आपको मेरे साथ पढ़कर अच्छा लगा होगा। सी यू इन माय प्लस सेशन, अगर आप तैयार हैं मेरे साथ अपनी जीके और करंट अफेयर की तैयारी करने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।